किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते, जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है, रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में हत्थे थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया, रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है, नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल पाइस फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूं, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए, मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब 10 दुनिया में नहीं है, अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है माता पिता की सेवा करने के लिए। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा, जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं, वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है, तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया, वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी जिससे उसकी जान बची और वह एक महीने तक नगर से दूर रहा था, फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखाना चाहता था।
इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के दो सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह श्यामू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं श्यामू पर और क्रोध में आकार मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता, पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। खेत और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती हैं और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी दस का हर जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म में सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं।